गाइज वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग ना, वैसे तो मैं किसी का जवाब नहीं देना चाहती, पर ना जब ना पानी सिर से ऊपर चला जाता है, लोग अध पार कर देते हैं, उस टाइम ना हमको भी बोलने का एक मौका मिलना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, जो ये आप उल्टी सीधी बातें डाल रहे हो ना, तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ, जो आप संदीप के बारे में उल्टी बातें बोल रहे हो ना, ये बिल्कुल सरासर गलत है जो आप सोच रहे हो। संदीप मेरे गोलू से भी पहला बेटा मेरा, जो संदीप ने हमारे लिए किया ना, आज के ज़माने में ना वो कोई भी नहीं कर सकता। हम सोशल मीडिया पर तो हम सिर्फ एक साल से ही आए हैं, उससे पहले जब मेरा बेटा मुकुल हुआ था ना, उस टाइम से लग गया, या उससे पहले जब हमारे साथ रहता था, जब से संदीप ने हमारे लिए बहुत किया, अपने भाई के लिए, अपने भतीजा भतीजी के लिए, मेरे लिए, उसने हर एक रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभाया है। उसमें चाहे बहन का लगा लो, भाभी का लगा लो, माँ का लगा लो, हर रिश्ता बहुत समझदारी से निभाया है, ठीक है। तो आप जो बोल, हाँ दूसरी बात, उसने आपका भाई अपनी जी और जान से प्यारा है, उसमें उसका पूरा परिवार मिला ले, मैं लगा ले गोलू, मुस्कान, मुकुल, पायल, गोलू, चीकू लगा लो, छोटे आने वाले बच्चे लगा लो, सबसे ऊपर बढ़ के उसने अपना भाई है। तो आप जो ये बात बोल रहे हैं ना संदीप के बारे में, ये बिल्कुल गलत है। संदीप ने जितना किया ना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने अपना भाई के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया है। और आपको ये बात और बता देती हूँ मैं, ना तो हमारा चैनल छीनना है, ना तुम्हारा पिछला छीनना था, वो तो वैसे ही छोड़ दिया था, और ना ये जो कुलदीप सरोजवाड़ा ब्लॉग ये छीन नहीं रखा, क्योंकि हमारा फ़ोन है वहाँ पे चंडीगढ़, और जो हमारे पास फ़ोन है इसका स्टोरेज कम है, तो इसलिए हमने वो नहीं दिया। और अब गोलू जाएगा शायद 2 तारीख को भी चला जाए, 3 तारीख को भी चला जाए, और ये 1 तारीख को संदीप, पायल, गोलू सब यहाँ पे आएंगे हरियाणा में, उस टाइम वे अपना फ़ोन साथ लेके आएंगे, ठीक है। हमारा चैनल बिल्कुल नहीं छीना गया है, ठीक है। और न ऊपर से हम सिर्फ इसके पापा को 1 हफ्ते के लिए लेके आए थे, वो इसलिए लेके आए थे कि बच्चों से मिल लेगा, बड़े बच्चों से भी, जो छोटे बच्चे भी आए हैं उनसे भी, सबसे मिल लेगा ना। और उसकी एक बार ये देखनी थी, डॉक्टर ने ये बोला था भाई ये बाहर आने के बाद कितने दिन तक बिना उसके रहता है, ठीक है। हमने उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो यहाँ पर रहता है, बाहर रहता है, तो उसकी हालात इतने ख़राब हो जाते हैं, चाहे उसकी आदत लगा लो, कुछ भी लगा लो, जैसे आपकी चाय की आदत है, हम उसको नहीं छोड़ सकते, वैसे ही उसकी आदत भी हो गई है। तो जहाँ तक हमने सोच रखी है, हमने उसको ठीक करना ही करना है, उसके लिए चीज 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, कोई बात नहीं, बीच बीच में हम उसको जब भी मन करेगा, 2 महीना में 3 महीना में 1 महीना में 15 दिन में, जैसे संदीप बार बार लेके आता है, तो बच्चों से मिलवाने के लिए ज़रूर लेके आएगा, ठीक है। तो आप इतने उल्टे सीधे कॉमेंट भी मत करो जिस बात का आपको पता नहीं। अगर आपने हर एक सच्चाई का पता है तो आप प्रूफ दो हमको, या आप उन हालातों को देखो जिस हालात से हम निकल रहे हैं, जिस हालात में हमने, मतलब संदीप ने हमारा साथ दिया है, उन हालातों को देखो। उस टाइम आप लोग नहीं आते हमारे घर पे, जिस टाइम इसके पापा मजबूर हो जाते हैं नशे में, ठीक है, उनको संभालने के लिए संदीप ही आता मेरे घर। और पीछे आप बोल रहे थे भाई संदीप आप कितनी हेल्प करता है, संदीप आप कितनी मदद करता है, आप चंडीगढ़ क्यों नहीं गए, उस टाइम आप जैसे बोल रहे थे, हैं। तो अब भी ये देखो ना, संदीप की वजह से ही आज कुलदीप जी जिंदा है, आप ये बात सोचो। तो गाइज आज हमें सोशल मीडिया पे भी स्टैंड करने वाला संदीप ही है, उसकी वजह से आज हम स्टैंड है, पूरा परिवार उसकी वजह से स्टैंड है, चाहे कोई इसमें झूठ माने, कोई सच्चाई माने या ना माने। सोशल मीडिया, मेरे को तो ना है सोशल मीडिया का शब्द भी नहीं पता था, सबसे पहले हमने वीडियो बनानी शुरू की ना, मेरे को इतना डर लगता था, मैं ही सोचती थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, इधर कोई हंसता था तो मेरे को शर्म आती थी, मेरे को बोलना आता नहीं था। उस टाइम संदीप ने मेरे को एक बात बोली, मुला भाभी जैसे ना शीशे के आगे खड़ी हो जा और बोलना शुरू कर, स्टैंड होना बहुत जरूरी भाभी जिंदगी में, ठीक है। और जिस टाइम गोलू के पापा का एक्सीडेंट होया ना, उस टाइम हमारे घर कोई भी नहीं आता, उसमें चीज मेरा, मेरे परिवार वाले लगा लो, मेरे भाई भाई बहन, मतलब कोई भी रिश्तेदार हमारे घर नहीं आया था। वैसे तो बहुत बड़ा कहने को हमारे रिश्तेदार भी बहुत हैं और परिवार भी बहुत बड़ा, पर कोई नहीं आया था। उस टाइम भी संदीप ही आया था, रात को 2:30 बजे, जैसे दिन में मैंने ऑपरेशन करवाया, मैंने संदीप के पास फ़ोन किया, मैं संदीप को ऑपरेशन करवाना, तो उन्होंने भाभी तो ऑपरेशन करवा दे, पैसे की कोई चिंता मत कर, और रात को स्पेशल मिलने आया था। और एक बात और बता देती हूँ, जब गोलू की शादी नहीं हुई थी उस टाइम, संदीप और पायल, मैं एक बार उनका दिया कर देना, संदीप कई दिन हो गए आ जाइए ना मिलन का जी करें, उस ये टाइम संदीप रात ना आया करता मेरे बच्चों के लिए,
सामान सामान का तो कोई अंत ही नहीं, पैर एंकी वैंकी इतना सामान कुछ लेके आती थी वे, जितना प्यार मेरे बच्चों से पहले करते थे ना चिकोने से पहले, उतना ही प्यार आज भी करते मेरे बच्चों से, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने मतलब 2 साल पहले फिर इसके पापा ज़्यादा बीमार हो गए थे, फिर मैंने हिसार एडमिट करवाए थे, उस टाइम भी कोई नहीं आया था। संदीप ने पता लगाया, मैंने पहले तो बताया नहीं, मैं सोची वो बेचारा परेशान होगा, बार बार कितनी बार परेशान करूँ संदीप को, तो संदीप ने पता लगाया किसी और से, भाई भाई बीमार हो रहा है, भाभी अकेले भाई को भी संभाल रही है, पीछे घर को भी संभाल। तो संदीप उसी टाइम रात को आया, इसके पापा को वहाँ से छुट्टी दिलवाई और अपने साथ ले जाकर चंडीगढ़ इलाज करवाया उनका, शायद जब दिल्ली रहता था संदीप, दिल्ली रहता था, दिल्ली जाकर फिर उनका इलाज करवाया। आपको एक बात और बता देती हूँ, हमारे यहाँ 80 से मकान चेंज करवाने के लिए कई बार बोल चुका है संदीप, कई बार बोल चुका है। तो देखो अपना मकान होता है ना तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता, जैसे पीछे बोला था दिल्ली शिफ्ट होने के लिए, तो मैं आपको बताऊँ दिल्ली में शिफ्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली की पढ़ाई या चंडीगढ़ की पढ़ाई लगा लो आप, हरियाणा की पढ़ाई लगा लो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। अब जैसे मेरे बच्चे यहाँ प्लस टू में होगा गोलू, मुस्कान होगी 10वीं में, मुकुल होगा 8वीं में, तो वहाँ की पढ़ाई मेरी यहाँ की में दिन रात का फर्क है, गोलू को वहाँ प्लस टू की जगह ना 8वीं क्लास में भी नहीं लेंगे। तो मैंने यही सोचा था अब गोलू की जैसे प्लस टू पास हो जाएगी ना उसके बाद गोलू ने करना कोर्स, फिर हम या तो चंडीगढ़ या दिल्ली शिफ्ट होने की सोच रहे थे। ये पीछे बोला था संदीप ने, बोला भाभी कोई बात को नहीं, चल गोलू ने प्लस टू मंगा, गोलू ने प्लस टू करवा दी। फिर इसकी तो ये है, इसकी तो अभी ना काफ़ी टाइम पड़ा है, तो इसको जैसे हम 9वीं में डाल लेंगे तो प्लस टू लगना ही, वो वहाँ हैंडल कर लेगा अपनी पढ़ाई। मुस्कान अगले साल हो जाएगी, तो मुस्कान को ये है प्लस टू करवाने के बाद मुस्कान भी 2 साल में हैंडल कर लेगी, प्लस टू करवाने के बाद ना फिर उसको भी कोई ना कोई कोर्स हो जाएगा है। तो बार बार आप कहते हो आपको स्टैंड नहीं, स्टैंड कर तो दिए, अपने पैरों पर खड़े तो कर दिए, और कैसे स्टैंड करें आप ये बताओ, इतनी मेहनत तो कर दी बेचारा ने, इतनी मेहनत कर दी। आप बार बार संदीप के बारे में ऐसा कुछ बोलते हो ना बहुत दुख होता है, क्योंकि जो बंदा ने दूसरे की मदद करता है ना तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो अपने परिवार की तो मदद करता है, साथ में आपको पता दूसरों की भी मदद करता है, पर हम ये बातें ना ना तो सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते ना किसी को बताना चाहते कि किसका अगर किसकी वजह से चल रहा। तो गाइस हम जब से बचपन में रहते हैं ना यहाँ पे 80 में, जब से हमारे 80 में मन और कहीं पर जाते हैं तो मन भी नहीं, हाँ मन नहीं लगता बच्चों का। अब धीरे धीरे बच्चे जैसे अब पहले ब्लॉक में नहीं बोलते थे, अब धीरे धीरे ब्लॉक में बोलने लगे, वैसे अगर ये बाहर सेटल होंगे कहीं भी जाएंगे तो अब धीरे धीरे अपने आप नॉलेज हो जाएगी। मैं मेरे से बता रही हूँ, मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी 80 से बाहर चली जाऊँ, कहीं भी मन नहीं लगता। और चंडीगढ़ में जाने के बाद तो ऐसा लगता है जो पता नहीं कहाँ आ गई, क्योंकि वहाँ काम कुम कुछ करने नहीं देते। और मेरे को आदत है बचपन से लगा लो हमारे, मैंने बचपन में जैसे मैंने मुस्कान को थोड़ा बहुत काम करना सिखा दिया, भाई बच्चे को कुछ ना कुछ काम करना आना चाहिए। तो ऐसे ही ना जिसका भी जैसा माहौल होता है ना वैसा ही मन लगता है। तो इसमें ना आप सारा ही दोष संदीप को मत दो। संदीप मैं आपको एक बार फिर भी बोल रही हूँ, संदीप मेरा पहला बेटा, मेरे गोलू से भी बढ़ के, ठीक है। एक मौका मैं गोलू उन्होंने सोच लूँगी, भाई बड़ा होगा गोलू क्या पता मेरे को रोटी देगा या नहीं देगा, पर संदीप पर मैंने इतना विश्वास है, संदीप मैंने मुसीबत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, ना मेरे को छोड़ेगा, ना बच्चों को, ना अपने भाई को। तो मैं यही बोल बस इतना ही बोलना चाहती, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोलना चाहती। तो मैं इस वीडियो का यही ऐड करती हूँ, और कल से हम नए ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करना, और आप इस बात का ज़रूर जवाब देना, आपको इतना तो दिख ही रहा है हमसे पहले संदीप सोशल मीडिया पर, तो इतना दिख रहा है वो कितना अच्छा बंदा है। कई लोगों की क्या होता है, कई ना अपनी जबान ना अवर कर देते हैं, इस थोड़ी सी कान में कोई ना कोई बात पूछनी चाहिए, उसको ना एक बड़ा चढ़ा कर बना देते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना इस ब्लॉग को शेयर करना।